ये मैं कुछ तस्वीरें भी लाई। बस जल्दी से इनमें से किसी को पसंद कर लीजिए ताकि फिर मैं उनके घर वालों को ले आऊं। मुझे तो तीनों ही ठीक लग रहे हैं अम्मा। ये तो बहुत बड़ी उम्र के हैं शमसा। अपनी लाडली के कारनामे भी तो देखिए ना, अब तो उसको ऐसे ही रिश्ते मिलेंगे बस। फिर भी कोई ढंग का तो हो, लाइक तो ये देखते ही इनकार कर देगा। देखिए अम्मा, बुरा मत मनाइएगा, लेकिन अब आपके बेटे को ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा, वरना उनकी बाकी बेटियां भी ऐसी बैठी रह जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। मैं अम्मा से भी आपका ही जिक्र कर रही थी। लाइक, तुम्हारे कहने पे मैंने इसे बुलाया था, अब तुम सामने है, इससे बात कर लो। अरे अम्मा, अब बातें क्या करनी, अब तो शादी करने का वक्त है, पहले ही इतना वक्त निकल चुका है। भाई साहब, ये कुछ तस्वीरें लेकर आई है, मुझे तो ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी देखें। भाई साहब, आपने जो है ना ये आयजा की शादी करने का फैसला बहुत अच्छा किया है। मैं तो पहले ही अम्मा से कह रही थी कि जितना जल्दी हो सके ना आयजा की शादी कर दें, वरना बाकी बेटियों के भी रिश्ते के बड़े मसले हो जाएंगे। लेकिन शायद उस वक्त आप रजामंद नहीं थे। लेकिन खैर, अब भी देर नहीं हुई, देर आए दुरुस्त आए। वैसे भी अच्छे रिश्तों के बड़े काल पड़े हुए, अच्छी अच्छी शरीफ घर की बेटियां ना ऐसी बैठी हुई हैं, और फिर आपकी बेटी तो देखें भाई साहब, मेरा मकसद आपकी दिल आजारी बिल्कुल नहीं था, लेकिन आप तो जानते हैं ना आजकल का जमाना, और फिर बेटियों की इज्जत तो इतनी नाजुक होती है, जरा सी बद एहतियाती और सारी उम्र का पछतावा, आप तो अच्छी तरह समझ सकते होंगे। अरे ललित, कहाँ जा रहे हो, जवाब तो देते जाओ। सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, आप इन्हें चाय पिलाइए।